कि गोविंदपुरा सीट से जनता का रिजल्ट आउट हो गया है। इस सीट पर कृष्णा गौर पास हो गई है और रविंद्र साहू झूमर वाला फेल हो चुके हैं। कृष्णा गौर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू है, कद्दावर नेता है, बेहद सरल और सहज है, जनता के बीच में उनकी अच्छी पहच है, महिलाएं और परिवार में उनको बहुत पसंद किया जाता है। कृष्णा गौर को बंपर वोटों के साथ जीत हासिल हुई है। जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कृष्णा गौर को पास कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमर वाला फेल हो चुके हैं। आदि भाजपा ने लगाई जीत की दौड़, गोविंदपुरा में जीत गई कृष्णा गौर। बहुत बड़ी जीत है ये, और कृष्णा गौर के लिए कहा जाए तो वो भाजपा के गढ़ से ही चुनाव लड़ रही थी, उनका अपना गढ़ रहा है, अपने उनके परिवार का गढ़ रहा है, जहां से उनकी जीत एकदम पक्की थी। और कृष्णा गौर के कई बयानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, हालांकि जनता के अंदर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और जनता ने भरपूर मतदान किया कृष्णा गौर के पक्ष में। जी हाँ, कृष्णा गौर सिटिंग एमएलए हैं और उन्होंने अभी अपनी जीत 1,38,034 वोटों से दर्ज कराई है। वहीं झूमर वाला को मात्र 54,366 वोट ही मिल पाए हैं। कृष्णा गौर की बड़ी जीत है। कृष्णा गौर दूसरी बार की विधायक बन रही है और कृष्णा गौर का नाम इस बार महिला मंत्रियों में भी शामिल हो सकता है। जनता के रिपोर्ट कार्ड में फिलहाल कृष्णा गौर पास हुई है और झूमर वाला फेल हो चुके हैं। जनता के रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए दखल न्यूज पे लगातार अपनी नजर बनाए रखिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।